extra time. Jones Telegraph makes your life. Virat was playing well, but then तो क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? Obviously 323 अब चेस कर रहे होते तो बहुत अच्छे पार्टनर से करना होता था और कैप्टन खास करके बहुत अच्छे खेल रहे थे तो व्हाट पॉइंट थी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच? आई थिंक टर्निंग पॉइंट विराट भैया का आउट होना था क्योंकि अच्छा पार्टनरशिप हो गया था और जब आप 322 चेस करते हैं तो लास्ट में आपको विकेट चाहिए एंड में. पर आई थिंक उनके स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा बॉल डाला क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से मोइन भाई ने स्टार्ट किया था तो बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, सिर्फ ओवर में एक दो दे दो रन आ रहे थे तो उससे क्या कि रन रेट भी बढ़ रहा था, थोड़ा प्रेशर बैट्समैन पे आ रहा था. तो आप कह सकते हैं कि उनके स्पिनर्स ने मिडिल ओवर में काफ़ी अच्छा बॉल डाला. चहल जो चेज रहा, जो धोनी विकेट्स गिरने के बाद थोड़ा स्लो हो गए थे, वहाँ पे प्लान क्या था एग्जैक्टली? क्योंकि नेट रन रेट या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो प्लान क्या था कि जो इतना धीरे हो गया था? नहीं, क्योंकि पीछे तो मैं, कुलदीप, सिद्धार्थ या हम ही लोग थे तो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई बैट्समैन, दो तीन बैट्समैन बचे हुए हैं. और आई थिंक पूरी सीरीज़ में उनको बैटिंग भी नहीं आया तो आई थिंक ये चांस भी था कि वो थोड़ा नॉक भी कर सकते थे, क्योंकि अगर वहाँ पे वो शॉट मार के आउट हो जाते तो शायद हम पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल पाते. आप और कुलदीप और ये बैट्समैन के बीच में जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कभी आप हावी हो रहे हैं कभी वो हावी हो रहे हैं, आज के मैच के बारे में आप कैसे असेस करोगे हमारा परफॉर्मेंस? पूरी टीम का है या स्पिनर्स का? पूरी टीम का और स्पिनर्स का दोनों. ये पूरी टीम का, आई थिंक हमने डेथ ओवर में थोड़ा 20-25 रन हमने एक्स्ट्रा दिए और आई थिंक क्रेडिट हमें जो रूट और विली को भी देना चाहिए क्योंकि उन्होंने लास्ट में काफ़ी अच्छी बैटिंग करी. और फॉर स्पिनर्स ये था कि मैंने और कुलदीप ने, मतलब ठीक बॉल डाला, कुलदीप ने 3 विकेट लिया बाद में, तो उस टाइम ये विकेट थोड़ा चेंज भी था, थोड़ा स्लो भी था क्योंकि थोड़ा अगर आप स्लो डाल रहे हैं तो बैट्समैन थोड़ा इजी खेला जा रहा था और इतना टर्न नहीं हो रहा जितना सेकंड इनिंग में हुआ. बॉल आउट होने से पहले ऐसा लगा जब एक मैसेज गया था धोनी के लिए, जब बैट और ड्रिंक्स ले गए थे, आई थिंक शार्दुल और कोई और थे, तो कुछ मैसेज गया था तब उनके शॉट मारने से पहले? उस टाइम मुझे पता नहीं कि कोचेज ने क्या मैसेज भेजा था क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पे था नहीं. स्पेशली मैं कर जब मैंने एक दो ओवर डाला तो थोड़ा विकेट मुझे स्लो लगा, तो मेरा ये था कि मैं इस विकेट पे थोड़ा अपना पेस वेरी करूं और थोड़ा ऊपर ही बॉल डालूं क्योंकि स्लो विकेट है, आप अगर डालते हैं तो शॉर्ट पिच में ज़्यादा चांसेस रहते हैं रन लगने के. तो मेरा ये था विकेट टू विकेट रखूं, अगर बैट्समैन मिस करता है तो मेरे पास ज़्यादा चांस है विकेट लेने के. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.